भारतीय राज्य संविधान के मूर्तिकार विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पूरे वाड़ी शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर वाड़ी अम्बेडकर नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उत्सव समिति की ओर से पंचशील ध्वज फहराया गया। इस दौरान पूर्व आरक्षक प्रकाश गजबीय, मुख्य अधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख, पूर्व नगर अध्यक्ष प्रेम झाड़े, पूर्व उप नगर अध्यक्ष नरेश चर्डे, संतोष नरवाड़े, माजी नगर सेवक दिनेश कोचे, मनोज भांगे, आशीष नंदा गवली, राकेश मिश्रा, प्रमोद भोवरे, माजी जिला परिषद दिनेश बंसोड़, माजी पंचायत सदस्य रूपेश झाड़े, अश्विन बेस, कंटीराम तागड़े, योगेश चर्डे, किशोर नागपुरे, सुभाष गजबीय, सुधाकर सोनपीपड़े, रोशन सोमकुवर, दिलीप भोरगड़े, मनोज भागवतकर, सोनू रामटेके, बेबी वानखेड़े, तारा जंगले, निर्मला नागपुरकर, रीना भांगे कार्यक्रम में मौजूद थे। पूरे शहर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया और शाम को सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। धमकीर्ति नगर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूर्व पार्षद नरेंद्र मेड़े के हाथों 131 किलो का केक काटा गया। इस दौरान बदंत महापंत महाथेरो बंडू रामटेके, ज्ञानेश्वर गोलाइत, राजेंद्र कामले, राजेंद्र पाटिल, मनोहर गजभिय, अशोक वासेकर, जया मेड़े, शकुंतला वानखेड़े, पुष्पा गवली, कला खंडाले, राकेश चिल्लोरे, मनोज मेश्राम आदि मौजूद थे। रैली में वरिष्ठ नागरिक मंडल गौतमी, महिला मंडल भीमई, महिला मंडल अस्मिता मंच, समता सैनिक दल ने भाग लिया। रैली के दौरान रैली दरमियान वाड़ी दुकानदार संगठना, दत्तेवाड़ी दुकानदार संगठना, युवक कांग्रेस, भाजपा युवा मोर्चा, युवा सेना, एकता टेम्पो यूनियन महासंघ ने पानी, चाय, कॉफी, सिरप, चना, नाश्ता और महाप्रसाद का वितरण किया गया। वाड़ी नगर परिषद में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रैनवाल सहित स्टाफ और अधिकारी मौजूद थे। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आपण त्या ठिकाणी एवढा उत्साह, त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आहे। 2 वर्ष त्या ठिकाणी कोरोनामुळे आपण बाबासाहेबांची जयंती साजरी करू शकलो नाही, परंतु मी आता एवढ्या कार्यक्रमाला संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये फिरतोय। जागोजागी त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांचे चाहते त्या ठिकाणी रस्त्यावर, गल्लीबोळात त्या ठिकाणी आनंदोत्सव साजरा करतायत। ज्या महापुरुषांनी आमच्याकरता आपलं संपूर्ण जीवन अर्पण केलं आणि सामाजिक विषयांचा तसेच समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, म्हणजे शैक्षणिक, सांस्कृतिक या विविध क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपल्या मुलाचं योगदान दिलं आणि देशाला एक चांगलं संविधान दिलं, तर या प्रसंगी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। पण आज ह्या संपूर्ण वाडी परिसरामध्ये एक आंबेडकरमय वातावरण या ठिकाणी तुम्हाला, ह्या जेव्हा वातावरण तुम्हाला पाहायला भेटते तर तिथे कुठं ना कुठं आपलं योगदान महत्वाचं असते। हे योगदान आपल्याला ह्या उपस्थितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिसून पडलेली आहे। मी आंबेडकर नगर वाडी परिसरातल्या सगळ्या संघटना, व्यापारी संघटना, ट्रान्सपोर्ट संघटना ज्यांनी या रॅलीला आपला हार्दिक योगदान दिलं, मी सगळ्यांचं मी मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो।